आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी हैं जिसमें आरसीसी का या आप कह सकते हो सीटी का ये कुछ एक टॉपिक है जो आपके डेली इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड या कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एसएससी में तो उसी को लेके आ जाया हूँ आप लोग कंक्रीट के ग्रेड से सब लोग परिचित होंगे कंक्रीट का ग्रेड कितना होता है एम टेन से लेके आपका एम एम एट्टी तक ये डिजाइन भी किया जा सकता है तो जिसमें रेशियो का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका ट्वेंटी फाइव तक होता है उससे नीचे भी ग्रेड होते हैं लेकिन हम उसको जितनी स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग फिर डिजाइन किया जाता है इसको ठीक है यहाँ तक तो आप लोग को कंक्रीट का ग्रेड एम टेन एम फिफ्टीन एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी फाइव है इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं देखिए इसमें वैल्यू क्या क्या होगी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट सीमेंट का मतलब आप लोग जानते हो सीमेंट क्या होती है सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट से आप लोग समझ सकते हैं इसको जैसे मोरंग वगैरह होती है मोरंग या सैंड या बालू एग्रीगेट का मतलब जो आपकी गिट्टी वगैरह होती है ठीक कोर्स एग्रीगेट में समझ सकते हैं उसको तो अगर एम टेन होगा तो ये वन थ्री सिक्स का रेशियो होगा एम फिफ्टीन होगा तो वन टू फोर का ये रेशियो होगा एम ट्वेंटी होगा तो वन वन पॉइंट फाइव और थ्री का रेशियो होगा इसमें और ये तीनों आपकी ऑर्डनरी सीमेंट में आती हैं ऑर्डनरी कंक्रीट में आती हैं ठीक है इनको हम तीनों को ऑर्डनरी कंक्रीट कहते हैं इसके नीचे जो भी आती हैं आपकी एम आपका कितने तक एम शायद फिफ्टी तक आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट आता है उसके बाद जो है आपका हाई हाई हाइयर कंक्रीट आ जाते हैं ठीक है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है जैसे आपके जो इसका फ्लाई के जो कॉलम वॉलम बनते हैं उसमें स्टैंडर्ड कंक्रीट का यूज किया जा सकता है या हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज किया जा सकता है ठीक है तो ये तो बात हो गई आपके कंक्रीट के ग्रेड की ठीक क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं आने के क्वेश्चन कहाँ का चांस हो सकता है या कहीं कोई इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्या जो ये रेशियो हैं उन रेशियो का एक्चुअली में नाम क्या होता है इनका मतलब क्या होता है वो जानना ज़रूरी है ठीक है तो यहाँ जो एम है आपका वो शो करता है क्या एम शो क्या करता है आपका एम शो करता है आपका जो मिक्स ठीक है एम का मतलब क्या है ये मिक्स ठीक एम का मतलब इन सब को मिक्स करेंगे आप किसको किसको सीमेंट एंड एग्रीगेट को एम का मतलब यही है पंद्रह क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है अब इसका नया टर्म आ गया आपके लिए अब इसकी इसका आ, क्या होता है काम इसका काम क्या है ये आपका ट्वेंटी एट डेज बाद किसी कम क्यूब की स्ट्रेंथ बताता है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाता है जिसमें अगर सौ टेस्ट करें तो आप पाँच पाँच टेस्ट से ज़्यादा टेस्ट फेल नहीं होने चाहिए ठीक है अब डिफिनीसन पढ़ लेते हैं उसके बाद और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या कहता है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल बिलो विच नॉट मोर दैन फाइव परसेंट ऑफ़ द टेस्ट रिजल्ट टू बी रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉल इसमें से पाँच परसेंट टेस्ट आपका जैसे अगर आपने ये आपका है क्यूब ठीक क्यूब की साइज कितनी है वन फिफ्टी एम एम वन फिफ्टी एम एम वन इसका जो है वो क्यूब है क्यूब क्यूब का मतलब ये होता है उसकी सारों से सा, सभी साइड जो होंगी छः साइड होती हैं छः वो बराबर होंगी तो सारी साइज़ क्या है वन फिफ्टी एम एम है आप क्या करेंगे हम मान लीजिए एम पंद्रह लेते हैं एम पंद्रह में हमने क्या किया कंक्रीट तैयार किया वन टू फोर रेशियो का उस कंक्रीट को तैयार किया ये क्यूब का एक वो होता है मॉल्ड होता है इसमें हम लोग उसको इसको कंक्रीट को अपने रखे ठीक है कॉम्पैक्ट किए कॉम्पैक्शन के बाद उसको उसका लेबल करके उसको रख दिया गया एक दिन बाद अगले दिन बाद उसको क्यूरिंग किया गया ट्वेंटी एट डेज बाद ट्वेंटी एट डेज़ बाद क्या होता है इसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है जो स्ट्रेंथ आएगी उसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम लोग चेक करेंगे ट्वेंटी एट डेज बाद अट्ठाइस दिन बाद इस डिफिनीसन में ट्वेंटी एट डेज भी होता है लिखा नहीं गया है ये रिजल्ट किसके लिए है फाइव परसेंट रिजल्ट ट्वेंटी एट डेज़ के लिए तो आप क्या करेंगे अट्ठाईस दिन बाद कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में इस क्यूब को ले जाके रखेंगे और उस पर लोड लगाएंगे अगर लोड लगाएंगे तो क्या होगा इनिशियली uh, तो जितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी उतना तो वियर करेगा उसके बाद ये फेल होने लगेगा जब ये फेल हो जाएगा तो उस टाइम पर जितना लोड आया है हम उसको मेजर कर लेंगे वो लोड आपका किस में आएगा न्यूटन में आएगा और इसका जो एरिया होगा कितना होगा वन फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी अपॉन इसका जो एरिया होगा वन फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी करेंगे तो क्या होगा ये ये चीज़ें एम mm एम में है ये भी एम mm एम में है तो न्यूटन पर एम mm एम स्क्वायर में आ जाएगा क्या आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में क्या आएगा कर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी ठीक है तो ये चीज़ हम लोग अट्ठाईस दिन बात करेंगे ऐसे ही अगर हम लोग सौ टेस्ट करते हैं सौ टेस्ट करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ आएगी इस टाइम आपने लोड लगाया ठीक है आपने लोड लगाया कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में इस क्यूब को रखा कंप्रेस uh, किया क्यूब ब्रेक हुआ तो उस पर हमने न्यूटन में जो उसका वैल्यू आया उसको नोट किया उसके बाद इसका जो एरिया उससे पॉन करके इसका एरिया जो है एरिया से डिवाइड किया हमने ठीक है एरिया से डिवाइड किया तो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो पंद्रह के करीब आएगी ठीक है तो हमारी स्ट्रेंथ जो आएगी वो पंद्रह के करीब आएगी अब क्या करेंगे ऐसे ही सौ टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो जो सौ में से आपका पाँच परसेंट से ज़्यादा टेस्ट जो है पाँच परसेंट से ज़्यादा टेस्ट आपका पाँच परसेंट से ज़्यादा ट्रस्ट पंद्रह से कम नहीं देना चाहिए वैल्यू ठीक है नॉट मोर देन फाइव परसेंट टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल पंद्रह से सोलह दे सकता है ये ठीक है लेकिन चौदह ठीक है बारह ये सब नहीं देना चाहिए आपका पाँच परसेंट टेस्ट आपका ठीक कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी यही कहती है अट्ठाईस दिन बाद उस क्यूब की कितनी स्ट्रेंथ होगी अगर आप किसी भी ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हो तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी वही आपका इसका आ, बेसिक जानकारी है और इसमें और क्या होता है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन आप लोग जानते हो आपके सबके लैब में होगा या सब ने देखा होगा तो अगर ये चीज़ आप लोग बात कर रहे हो अट्ठाईस दिन अट्ठाईस दिन में क्यों ऐसा होता है क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि कंक्रीट में होता है कंक्रीट नहीं सीमेंट अगर वाटर के साथ मिलता है तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस होता है जो कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस होती है वो आपकी 28 दिन तक अच्छे से हो पाती है तो उस दौरान आपको 99 परसेंट स्ट्रेंथ मिलती है पूरी ओवरऑल स्ट्रेंथ का 99 परसेंट स्ट्रेंथ आपको 28 दिन में मिलता है सात दिन में कितनी स्ट्रेंथ मिलती है 66 परसेंट ठीक है सात दिन में आपको 66 परसेंट स्ट्रेंथ मिलेगी 28 दिन में 99 परसेंट और चौदह दिन में आपको नब्बे इसको भी लिख लीजिए फोर्टीन डेज में आपको नाइन्टी परसेंट ठीक अभी एक बार गेट टू थाउजेंड सेवेंटीन में शायद पूछा गया था क्वेश्चन सेवन डेज और ट्वेंटी एट डेज़ का रेशियो पूछा था कितना रेशियो का होगा ये ठीक है तो आप लोग यहाँ टू बाई थ्री का होगा ये ठीक तो ये बात रही आपकी बेसिक जानकारी थी इसमें ये हो सकता है काफ़ी लोग को मालूम हो लेकिन इनिशियली जो शुरुआत कर रहे हैं अभी सिविल की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनको हेल्प मिलेगी इससे और जो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आई होप ये वीडियो और जो लोग नए हों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक ओके थैंक यू